देखो नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन। अब कोलिजन का मतलब क्या है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं टक्कर। टक्कर में क्या होता है, कोलिजन में क्या होता है, एक लार्ज फोर्स एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए दो बॉडीज के ऊपर एक्ट करता है। जब भी दो चीजें आपस में टकराती है, जैसे मान लो ये दोनों गाड़ियां टकरा रही है, तो जिस टाइम पे टक्कर होगी उस टाइम पे क्या होगा, एक लार्ज फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन उसका टाइम क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। एक स्मॉल टाइम के लिए लार्ज फोर्स एक्ट करेगा बॉडीज के ऊपर, जो कोलाइडिंग बॉडीज होती है ना उनके ऊपर एक लार्ज फोर्स एक्ट करता है एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन टाइप हो गई। कोई भी टाइप की कोलिजन हो उसमें एक लॉ हमेशा फॉलो होगा और वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये जो लॉ है ये हमेशा फॉलो होगा, ये आपको याद रखना है। किसी भी टाइप की कोलिजन हो, आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे कोलिजन के, तो किसी भी टाइप की कोलिजन हो उसमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा बराबर होगा। इस लॉ को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये हमेशा फॉलो होगा, कोई भी कोलिजन इस टाइप की नहीं होगी जिसमें ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा होगा। हर टाइप की कोलिजन में ये लॉ फॉलो होगा, लेकिन कुछ कोलिजन ऐसी होंगी जिनमें एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो फिर उनको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे, और जिनमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, ऐसी आइडियल कंडीशन में होता है वैसे कि एनर्जी का लॉस नहीं हो, कोलिजन जो कोलाइडिंग बॉडीज है उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस नहीं हो, ऐसा आइडियल कंडीशन में होगा। अदरवाइज जब भी टक्कर होगी दो चीजों की, तो साउंड की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। तो एक आइडियल सिचुएशन माने तो ऐसी कोलिजन जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे, और जिनमें लॉस होगा उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे, उनका अलग नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो कोलिजन का सिंपल सा मतलब यह है कि एक लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए दो बॉडीज के ऊपर एक्ट करेगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा कोलिजन के अंदर फॉलो होगा, चाहे किसी भी टाइप की कोलिजन हो। अब ये जो कोलिजन्स हैं इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो किसके बेसिस के ऊपर हम कोलिजन्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो पहला जो तरीका है अलग अलग टाइप की कोलिजन्स हैं उनको कैटेगराइज करने का, वो है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में कोलिजन हो रही है। पहला है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है कि ऐसी कोलिजन जिसके अंदर दो बॉडीज एक लाइन के ऊपर चलती हुई आएंगी, टकराएंगी, और टक्कर के बाद भी वो उसी लाइन के ऊपर जा रही होंगी। आमने सामने टक्कर हो सकती है, ऐसे टकराई दो बॉडीज, टक्कर के बाद में वापस से रिफ्लेक्ट होके जिधर से आई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वापस चलेगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन लाइन वही रहनी चाहिए जिस लाइन के ऊपर वो आ रही थी, टक्कर के बाद भी लाइन वही रहनी चाहिए जिसके ऊपर वो वापस जा रही होंगी, किसी और डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए। तो इस टाइप की जो कोलिजन होती है उसको हम क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का सिंपल सा मतलब क्या है कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद में जो बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटी एक ही लाइन पे होनी चाहिए। डायरेक्शन तो अलग अलग हो सकती है, मान लो कि आमने सामने टक्कर होगी तो एक इधर जा रही होगी, एक इधर जा रही होगी, आमने सामने आ रही है, तो वेलोसिटी तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, लेकिन लाइन वही होनी चाहिए। आप देख रहे हो इसमें, ये कोई M1 मास की बॉडी है, ये किसी M2 मास की बॉडी से जाके टक्कर कर रही है, इसकी वेलोसिटी है U1, इसकी वेलोसिटी है U2, और जैसे टक्कर हुई उसके बाद में ये अलग अलग वेलोसिटी से सेपरेट होके अलग अलग इसी लाइन के ऊपर आगे जा रही है, मतलब लाइन चेंज नहीं हो रही है, तो इसको हम बोल देंगे हेड ऑन कोलिजन। तो जब भी ये वर्ड यूज करें ना, हेड ऑन कोलिजन हो रही है, तो समझ जाना कि एक ही लाइन के ऊपर बॉडीज मेंटेन है। ठीक है, दूसरा है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब है कि एक बॉडी आएगी, टकराएगी दूसरी बॉडी से, और टक्कर के बाद में वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होंगी, उनके बीच में कुछ एंगल बन जाएगा। तो इस टाइप की जो कोलिजन है ना, इस टाइप की जो कोलिजन होती है उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। टक्कर के पहले वो एक ही लाइन पे जा रही थी दोनों बॉडीज, टक्कर के बाद में वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होंगी, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग हो गए ना, देखो एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या नाम देंगे, ऑब्लिक कोलिजन। आया समझ में? तो ये किसके बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि किस तरीके से बॉडीज टकरा रही हैं आपस में, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने कैटेगरी बनाई है कि अगर आपको हेड ऑन कोलिजन बोल दे तो आपको समझ जाना है कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद में बॉडीज एक ही लाइन पे रहेंगी, और अगर ऑब्लिक कोलिजन बोल दे तो समझ जाना है कि टक्कर के पहले वो एक लाइन पे जा रही होंगी, लेकिन टक्कर के बाद में वो अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी मतलब। ठीक, इसके बाद में है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, कोलिजन्स को कैटेगराइज कर सकते हैं।
कोई ऐसी कोलिजन जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा, कौन सी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि जो कोलाइडिंग बॉडीज होती है उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ऐसी कोई भी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन या सिंपल इलास्टिक कोलिजन भी इसको बोला जाता है। तो पहली कैटेगरी क्या हो गई, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में जो लॉस होगा एनर्जी लॉस वो क्या होगा, इसको मैं डेल्टा के ई लिख रहा हूं, ये जीरो होगा। तो इस टाइप की कोलिजन को हम क्या नाम दे देंगे, इलास्टिक कोलिजन या परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, है ना। नॉर्मली इलास्टिक कोलिजन ही बोला जाता है, तो याद रखना इलास्टिक कोलिजन मतलब ऐसी कोलिजन जिसमें किसी भी टाइप के एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। और ये बात तो हमेशा याद रखनी कि कोई भी टाइप की कोलिजन हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हमेशा ही फॉलो होगा। तो चाहे मैं कितनी भी कैटेगरीज में कोलिजन्स को डिवाइड करूं, हर एक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हमेशा फॉलो होगा ही। यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, इसको बोला इलास्टिक कोलिजन। दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन, ये कौन सी कोलिजन है भाई, जिसमें एनर्जी का लॉस होगा, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, इन फॉर्म में अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है किसी भी कोलिजन में तो उसको हम बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा, इसमें लॉस होगा एनर्जी का, किसकी फॉर्म में हो सकता है, हीट की फॉर्म में होगा, लॉस होगा हीट की फॉर्म में या फिर साउंड की फॉर्म में। तो इस टाइप की कोलिजन को हम क्या नाम दे देंगे, इनइलास्टिक कोलिजन। तो जब भी ये वर्ड आ जाए ना कि इनइलास्टिक कोलिजन हो रही है तो समझ जाना कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो शुरुआत में जो कोलाइडिंग बॉडीज है उनके पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो उससे कम ही रहेगी। तो मैं लिख भी देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियली बॉडीज के पास है, दोनों बॉडीज के पास मिला के है टोटल, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उससे कम ही होगी। इसमें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है इलास्टिक कोलिजन में, इसलिए लॉस क्या हो गया, जीरो। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन होगी तो हमेशा इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज, दोनों की मिला के बात हो रही है, दोनों बॉडीज की मिला के जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बन रही है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। ये ऐसा बोलते हो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होगी लॉस की वजह से, तो इसको बोल देंगे इनइलास्टिक कोलिजन। तीसरा है परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, कौन सी कोलिजन है ये, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। ये कौन से टाइप की कोलिजन है, देखो ये इस टाइप की कोलिजन है जिसमें जो कोलाइडिंग बॉडीज होती है वो कोलिजन के बाद में आपस में चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है। जैसे एक बॉडी जा रही है, कोई m1 मास की बॉडी है, किसी u1 स्पीड से जा रही है, अभी आगे जाके किसी m2 मास की बॉडी से टक्कर कर रही है, और ये जो m2 मास की बॉडी है ये किसी u2 स्पीड से आगे जा रही है, टक्कर हुई हो, टक्कर के बाद में हो सकता है ये रेस्ट में हो, कोई जरूरी नहीं है मूव कर रही हो, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि मान लो ये भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है, ये थोड़ी तेज चल रही है तो जाके टकराएगी इससे, अगर ये धीरे चल रही होगी तब तो टक्कर होगी नहीं कभी, इसको तेज चलना पड़ेगा तभी तो जाके इसको अप्रोच कर पाएगी, तभी टक्कर होगी। तो जैसे ये टक्कर होगी, टक्कर के बाद में दोनों बॉडीज क्या हो जाएंगी, आपस में चिपक जाएंगी और एक साथ एक ही वेलोसिटी से आगे मूव कर रही होंगी। इस टाइप की कोलिजन अगर कभी भी होती है तो उसको हम क्या बोल देंगे, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। जैसे दो चिकनी मिट्टी की बॉल्स है, मड बॉल्स है, और दोनों जा रही है किसी स्पीड से, अचानक से टक्कर हुई, टक्कर के बाद में दोनों चिपक गई आपस में, अब वो एक कंबाइंड मास की तरह आगे जा रही है, तो इस टाइप की कोलिजन को हम क्या नाम दे देंगे, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। समझ में आया, तीनों कैटेगरी समझ में आ गई क्या। हर टाइप की कोलिजन में जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो वो हमेशा फॉलो होगा, तो ये जो लॉ है ये तो हमेशा ही हर टाइप की कोलिजन में अप्लाई करना है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है, सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा और जो फाइनल मोमेंटम होगा टक्कर के पहले और टक्कर के बाद में वो बराबर आएगा हमेशा, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये हमेशा फॉलो होगा किसी भी टाइप की कोलिजन हो चाहे, ठीक है। चलो आगे, अब इसके बाद में जो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन वगैरह है वो हमको कैसे सोल्व करने हैं। यहाँ पे हमने दो बॉडीज को दिखाया हुआ है जिसमें पहली बॉडी का मास है एम वन, मान लो ये बॉडी यू वन स्पीड से जा रही है, और दूसरी बॉडी है जिसका मास है एम टू, ये मान लो यू टू स्पीड से जा रही है। अब ये हेड ऑन कोलिजन का एग्जांपल है, इसका मतलब ये टक्कर के पहले और टक्कर के बाद में एक ही लाइन पे मूव कर रही होंगी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में टकराती हैं, यहाँ पे U1 ज्यादा है U2 से इसलिए आके टक्कर मारेगा, यहाँ पे टक्कर होगी, और टक्कर के बाद में जो पहली बॉडी है वो किसी V1 वेलोसिटी से मूव कर रही होगी और दूसरी बॉडी किसी V2 वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, ये वाली सिचुएशन होगी, ठीक है। ये आके टक्कर मार रही है, टक्कर के बाद में दोनों एक इंस्टेंट के लिए आपस में कॉन्टेक्ट में है और उसके बाद में वापस सेपरेट हो गई,
इस बार ये वाली जो वेलोसिटी है पहली बॉडी की वेलोसिटी, ये दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी से कम रहेगी। क्यों? क्योंकि टक्कर पड़ी ना इसको दूसरी वाली बॉडी को, तो ये तेज जा रही होगी, ये पहले वाली स्लो हो जाएगी। मतलब क्यों? क्योंकि जब इसको टक्कर मारेगा ये, तो इसकी एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, या ऐसा बोल दो कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी इस दूसरी बॉडी के अंदर, तो इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी कुछ, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब इसकी एनर्जी तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी और इसकी बढ़ जाएगी, ये एक्टिविटी होगी यहाँ पर। ठीक है, अब क्योंकि ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा क्या? नहीं, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि दोनों बॉडीज की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और दोनों बॉडीज की टक्कर के बाद में टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर आएगी। तो मैं इक्वेशन से लिख देता हूं, बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की, ये बराबर होनी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, यानी कि हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। ठीक है, टक्कर के पहले हम हमेशा जो वेलोसिटीज है उनको यू वन यू टू लिखेंगे, तो इससे आपको पहचानना आसान होगा कि ये इनिशियल वेलोसिटीज है, और टक्कर के बाद में हमेशा वी वन वी टू लिखेंगे, तो उससे आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना आसान होगा कि ये कौन सी वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोई भी टाइप की कोलिजन हो उसमें हमेशा फॉलो होता है, तो वो भी हम लिख देते हैं इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम, यानी कि एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ये बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो इनकी वेलोसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखनी है, लेकिन एक इधर जा रही है एक सामने से आके टक्कर मार रही है, तो एक की वेलोसिटी पॉजिटिव ली जाएगी दूसरे की नेगेटिव लेनी है, फिर डायरेक्शन का रोल रहेगा वो ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये बराबर होना चाहिए फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के, यानी कि एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। ये लो जी, ये दो इक्वेशन बन जाएंगी, इनको सॉल्व करके हम कुछ डेटा निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप इनको सॉल्व करोगे एक इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी यू वन माइनस यू टू इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। इलास्टिक कोलिजन है, उसमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये एक रिलेशन बन रहा होगा। अब ये जो रिलेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कोलिजन के अंदर यू वन माइनस यू टू का मतलब है यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरी की वेलोसिटी, तो ये दोनों ही मूव कर रही है, तो अगर दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट की जाए तो वो आएगी यू वन माइनस यू टू। इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच मतलब एक दूसरे के पास पहुंचने की वेलोसिटी, और टक्कर के बाद में ये सेपरेट हो जाएंगी, तो ये जो वी टू माइनस वी वन निकल के आ रहा है इसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये तो क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी है ये, और ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन ये कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी है? टक्कर करने की रिलेटिव वेलोसिटी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये टक्कर के बाद में दूर जाने की वेलोसिटी है, यानी इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और इनका जो रेशियो है कौन सा रेशियो? वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, इसको हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो यहां पे वन आएगा इलास्टिक कोलिजन के लिए, नाम लिख देता हूं इसका कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये इसका नाम है। कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, और अलग अलग टाइप के जो कोलिजन्स होते हैं उसमें ये कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलग अलग होगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, फॉर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन जो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो वन आएगा, क्योंकि आप इस इक्वेशन को देखो ये दोनों वैल्यूज बराबर है, तो इनका रेशियो क्या आएगा? वन आएगा। तो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन याद रखना है कि इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है? वन। अगर इन इलास्टिक कोलिजन होगी, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू लेस देन वन आएगी और जीरो से ज्यादा आएगी। ई की वैल्यू हमेशा जीरो से ज्यादा होती है, नेगेटिव में कभी नहीं होगी, और वन से कम होती है किसके लिए? इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। ठीक है, तीसरा इसके अंदर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होगा? अगर परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है तो उस कंडीशन में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो जीरो आएगा। इसका रीजन, क्योंकि परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के बाद में बॉडीज आपस में चिपक जाती है, तो दोनों एक कंबाइंड मास की तरह मूव करते हैं, तो मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम ही होती है, कंबाइंड मास की वेलोसिटी तो सेम ही होगी ना दोनों बॉडीज के लिए। दो बॉल आ रही है, आके टकरा रही है, टक्कर के बाद में जुड़ के एक साथ जा रही है, तो उनकी वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम हो गई, तो वी टू माइनस वी वन क्या आएगा? जीरो आ जाएगा यहां तो।
क्योंकि दोनों की वैल्यूज बराबर है, इसलिए E की वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो। तो याद रखना कि परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। तो मिनिमम वैल्यू की अगर बात की जाए कि कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मिनिमम वैल्यू किसके लिए होती है, तो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन के लिए होती है। और बोले मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो वन होती है, वो होती है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने हो, क्वेश्चन सॉल्व करने हो, तो उसमें आपके एक तो ये रिलेशन काम आएगा, है ना, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पे ये रिलेशन बनता है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये जो रिजल्ट नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है किसके लिए? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए, ठीक है। और ये भी याद रखना कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। और दूसरी जो इक्वेशन आप यूज करोगे क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने के लिए, वो होगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे एक तो मोस्टली हम लोग, और एक ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। इसका कभी कभार ही यूज होगा ये वाली इक्वेशन, है ना, क्योंकि इसको इसको यूज करके ये बना ली इक्वेशन हमने, तो ज्यादातर इसका और इसका यूज होता है। तो ये दो इक्वेशन अच्छे से आप याद कर लेना, ये सबसे ज्यादा काम आएंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। जो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है उसके कुछ स्पेशल केस हैं, वो देखो। अब कई बार क्वेश्चंस में सीधे स्पेशल केस से आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। देखो स्पेशल केस क्या क्या है, ये किसकी स्पेशल केस है? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के। मान लीजिए दो बॉडीज आपस में टकरा रही है और दोनों बॉडीज का मास बराबर है, दोनों बॉडीज का मास क्या है? बराबर। ये m1 मास है, ये m2 मास है, लेकिन m1 इक्वल टू m2 है। पहली बॉडी u1 स्पीड से जा रही है, दूसरी वाली बॉडी u2 स्पीड से जा रही है। टक्कर के बाद में इनकी जो वेलोसिटी है वो v1 और v2 हो जाती है। टक्कर के बाद में इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v1 v2। तो अगर ये दोनों मास बराबर हैं तो ये एक स्पेशल केस हो गया। स्पेशल केस क्या है कि टक्कर के बाद में इनकी जो वेलोसिटीज है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वेलोसिटीज इंटरचेंज, मतलब पहली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो दूसरी बॉडी को मिल जाएगी, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी वो पहले वाली बॉडी को मिल जाएगी। मतलब v1 किसके बराबर होगा? u2 के बराबर होगा, और v2 किसके बराबर होगा? u1 के बराबर होगा। ये एक स्पेशल केस है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है जिसमें ये बोला जाए कि बताओ दो बॉडीज जिनका मास बराबर है, इलास्टिक कोलिजन कर रही है, इतनी इतनी वेलोसिटी से टकरा रही है, तो बताओ टक्कर के बाद में उनकी वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी इंटरचेंज कर देना, बस वही आपका आंसर है, ठीक है। मास बराबर होना चाहिए लेकिन दोनों बॉडीज का, ठीक। दूसरा केस, मान लो कि एक भारी बॉडी किसी हल्की बॉडी से जाके टकराती है, और टक्कर कौन सी है? इलास्टिक कोलिजन है। मान लो कि एक ट्रक जा रहा है जिसका मास है m1, सामने एक साइकिल वाला जा रहा है, सामने कौन जा रहा है? साइकिल वाला जा रहा है। ये है अपना साइकिल वाला, मान लो ये, लो ये साइकिल चला रहा है मान लो, और गाना गाते हुए जा रहा था आराम से, ये अचानक से ये ट्रक है ये आके इसको टक्कर मारेगा। साइकिल वाले का मास है मान लो m2, ट्रक का मास है m1, और आप देख रहे हो कि m1 काफी ज्यादा है m2 से। तो ये एक स्पेशल केस बन गया कि जो कोलाइडिंग बॉडीज है उसमें से एक का मास काफी ज्यादा और दूसरे का काफी कम है। तो जैसे टक्कर होगी, टक्कर के बाद में क्या इस ट्रक की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? सोच के बताना, कॉमन सेंस यूज करो। ट्रक उसी वेलोसिटी से आगे जाता रहेगा, इसको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ आया भी है सामने, क्योंकि इसका मास काफी ज्यादा है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी u1 के बराबर ही होगी, ठीक है। लेकिन इसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इसकी जो वेलोसिटी है वो ट्रक की वेलोसिटी से डबल हो जाएगी। अगर ये ट्रक आके इसको 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से टक्कर मारता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 200 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगी? 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये लो जी, ये अपना साइकिल वाला है, इसकी स्पीड क्या हो चुकी है? अब ये हो चुकी है v2 इक्वल टू 2 u1 के बराबर, मतलब जो ट्रक की वेलोसिटी थी उसका डबल। आया समझ में? ठीक है, तो ये स्पेशल केस है। याद रखना है कि जो हैवी बॉडी है उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हल्की बॉडी है उसकी वेलोसिटी, जो भारी बॉडी है उसकी वेलोसिटी का डबल हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी का डबल हो जाती है वेलोसिटी, ठीक है। तीसरा स्पेशल केस, मान लो कि एक हल्की बॉडी जाके किसी भारी बॉडी से टकरा रही है। मान लो कि एक बॉल आपने फेंकी, इसकी स्पीड है u1, सामने एक ट्रक जा रहा था। इस बार जो टक्कर करने वाली बॉडी है, जो ये पीछे से जाके इसको टक्कर मारेगी, इसका मास काफी कम है m1 मान लो, और जो जिससे टक्कर हो रही है उसका मास काफी ज्यादा है, ये जा रहा है किसी u2 वेलोसिटी से आगे। तो जैसे यहां पे वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा था इसकी,
वैसे यहां पे क्या होगा, जब ये बॉल जाके इसको टक्कर मारेगी तो ट्रक की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि ट्रक बहुत तेज भागने लग जाएगा, इस बॉल का मास क्या है, ना के बराबर है इसकी कंपैरिजन में। तो जो बॉल है उसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, लेकिन ट्रक अभी भी उसी वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा। तो ट्रक की जो वेलोसिटी है वो तो वही रहेगी, यानी कि जो वी टू है वो तो यू टू के बराबर ही होगा, जितना जिस स्पीड से पहले जा रहा था उसी स्पीड से जाता रहेगा। लेकिन ये जो बॉल है ये टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस आ जाएगी सेम वेलोसिटी से, यानी कि वी वन किसके बराबर हो जाएगा, यू वन के। लेकिन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है इसमें माइनस का सिंबल लगा देता हूं। माइनस का सिंबल क्यों लगाया, क्योंकि उल्टा आ रही है ये बॉल, जाएगी टकरा के, जैसे एक ट्रक जा रहा है बॉल फेंके तो टक्कर मार के बॉल वापस आएगी आपकी तरफ, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, उतनी रहेगी जितनी ये इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है, क्योंकि इसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो ये वापस उसी स्पीड से वापस आ जाएगी और जो ट्रक है वो उसी स्पीड से आगे चला जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल केस है जो आपको याद रखने, किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए, ये सारे केस इलास्टिक कोलिजन के लिए हैं। ठीक है, आया समझ में, देख लो कुछ भी डाउट है तो। एक क्वेश्चन दिया हुआ देखो छोटा सा, टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटीज ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड -0.3 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली कोलाइड्स इलास्टिकली इन वन डायमेंशन। एक की वेलोसिटी आपको पॉजिटिव दे रखी है, दूसरी की वेलोसिटी नेगेटिव दे रखी है, क्यों, क्योंकि ये आमने सामने टक्कर कर रही है, मतलब कि एक बॉडी तो ऐसे जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, ये 0.5 मीटर पर सेकेंड से, इसको यू वन मान लो, और दूसरी जो बॉडी है जो सेम मास की आइडेंटिकल बॉडी है उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है यू टू इक्वल टू -0.3 मीटर पर सेकेंड, दोनों का मास बराबर है एम और एम। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि बताओ इलास्टिक कोलिजन है, द वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए आफ्टर द कोलिजन रेस्पेक्टिवली विल बी, देखो बी की वेलोसिटी पहले बतानी है और ए की बाद में बतानी है, क्योंकि इसने ऑर्डर ये लिखा है द वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए, तो बी की वेलोसिटी और ए की वेलोसिटी क्या होगी टक्कर के बाद में, वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो क्या ये कोई स्पेशल केस है, ध्यान से देख के बताओ, यहां पे कोलिजन कौन से टाइप की है, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, दोनों बॉडीज का मास क्या है, इक्वल, तो क्या होगा, वेलोसिटी इंटरचेंज होंगी, इसका मतलब जो वी वन है, जो वी वन है यानी कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, -0.3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एग्जैक्टली इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, और जो सेकेंड बॉडी है इसकी जो वेलोसिटी है वो उस वाली बॉडी की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब केस क्या होगा वो बता देता हूं, जैसे टक्कर होगी, टक्कर के बाद में ये दोनों रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, एक इधर जा रही होगी टक्कर के बाद में वापस, एक इधर जा रही होगी, तो इसकी वेलोसिटी है वी वन, अब ये इधर जा रही है तो ये वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी ना, तो ये किसके बराबर है, -0.3 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, और ये इधर जा रही है इस वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव मानी है और वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी टू इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। बोलो आया क्या समझ में, तो वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, इंटरचेंज हो रही है, तो आंसर क्या होगा, पहली बॉडी की जो वेलोसिटी वो -0.3, दूसरी की 0.5। अब लेकिन आंसर में आपको बी की वेलोसिटी पहले बतानी है, ये बी की वेलोसिटी है, ये मान लो बॉडी ए है ये बी है, तो बी की वेलोसिटी क्या हो गई 0.5, ए की क्या हो गई -0.3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, भाई ऑर्डर देखो यहां पे ऑर्डर क्या है, बी की वेलोसिटी पहले बतानी है ना, तो बी की तो 0.5 है और ए की बाद में बतानी है, बी एंड ए, ये लिखता है ए एंड बी, तो मैं पहले इसकी बताता बाद में इसकी बताता, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें गलती हो सकती है। ठीक है ना, जो बी वाला ऑप्शन है और जो सी वाला ऑप्शन है उसमें एक ही चेंज है कि आगे पीछे लिखे हैं, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना है, इसका आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, टू सॉलिड रबर बॉल्स ए एंड बी हैविंग मासेस 200 ग्राम एंड 400 ग्राम रेस्पेक्टिवली आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी ए इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन द टू बॉल्स कम्स टू रेस्ट देन द वेलोसिटी ऑफ बी इज। अच्छा, कौन सी कोलिजन हो रही है इनके बीच में, तो जब तक इलास्टिक कोलिजन बोला नहीं जाए क्वेश्चन में, एक चीज याद रखनी है, जब तक इलास्टिक कोलिजन नहीं बोला जाएगा तब तक हम उस कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कंसिडर नहीं करेंगे। अगर इलास्टिक कोलिजन होगी तो अगला बताएगा, अगर नहीं बोला तो हो सकता है कि इन इलास्टिक कोलिजन हो। ठीक है, तो
इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है, ये दो रबर बॉल की बात कर रहा है, ये पहली बॉल है मान लो ए, ये दूसरी बॉल है मान लो बी, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। पहली जो बॉल है उसका मास है m1 जो कि 200 ग्राम के बराबर है, और दूसरी जो बॉल है उसका मास है m2 जो कि 400 ग्राम के बराबर है। जो पहली बॉल है उसकी वेलोसिटी दे रखी है u1 जो कि है 0.3 मीटर पर सेकंड के बराबर, और दूसरी जो बॉल है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसकी वेलोसिटी मान लो u2, पता नहीं है कितनी है, ये आपको पूछी जा रही है वैसे, ठीक है। ये बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में आके ये टकराती है, और टक्कर के बाद में क्या होता है, आफ्टर कोलिजन द टू बॉल्स कम्स टू रेस्ट, दोनों ही रुक जाती है, इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी वो पूरी की तरीके से कैंसिल हो गई, मतलब ये इधर से आई, इधर से आई, दोनों टकराई और टक्कर के बाद में रुक गई, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का वो 100% लॉस हो गया इसमें, ठीक है, आई टकरा के एकदम से रुक गई। तो टक्कर के बाद की सिचुएशन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, टक्कर के बाद में वी वन जो होता है वो जीरो हो गया, और जो सेकेंड बॉल है उसकी वेलोसिटी वी टू वो भी क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। ऐसे डायग्राम आपको शुरुआत में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बना लेना है, उससे थोड़ा इजी रहता है इक्वेशंस वगैरह बनाना, ठीक है। पहली बॉल का मास m1 और दूसरी बॉल का मास m2, तो यहाँ पे सिंपल सा केस है। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये वाला जो लो है वो अप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों बॉल्स का इनिशियल जो लीनियर मोमेंटम होगा और जो फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा वो दोनों बराबर होने चाहिए। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, तो मास इंटू वेलोसिटी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। जैसे m1 मास कितना है 200 ग्राम इंटू वेलोसिटी कितनी है 0.3, देखो ये ग्राम में दे रखा है, मैंने इसको जानबूझ के किलोग्राम में चेंज नहीं किया है क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसलिए हम चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा इस टाइप की क्वेश्चंस में। प्लस फिर दूसरी जो बॉल है उसका मास है 400 ग्राम और उसकी वेलोसिटी कितनी है u2, जो आपको पता करनी है। वैसे आपको पता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो इसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना चाहिए, लेकिन जब आप किसी भी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका सिंबल अपने आप कैलकुलेशन से निकल के आता है, वो आपको लगाना नहीं है, ये अपने आप ही नेगेटिव में निकल के आएगा सॉल्व करने पे, पहले मत लगाना सिंबल, ठीक है। इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना होगा, तो इसका इसकी वेलोसिटी भी जीरो है उसकी भी जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो जीरो ही आएगा, दोनों का फाइनल मोमेंटम जीरो। तो ये बन गई इक्वेशन, 400 u2 बराबर आएगा इधर जाएगा तो 200 × 0.3, तो बताओ u2 कितना आएगा, तो 400 से इसको डिवाइड कर दो, ये आएगा, अच्छा ये माइनस में आएगा क्योंकि इधर जाएगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा माइनस का 0.15, 400 से इधर डिवाइड करोगे ना तो ये बनेगा 0.3/2 यानी कि 0.15, और माइनस का सिंबल ये लगा हुआ ही है, तो आंसर आ गया -0.15 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से जो बॉल है सेकेंड बॉल है वो मूव कर रही होगी, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, जो फर्स्ट बॉल है उसकी वेलोसिटी है 0.3 मीटर पर सेकेंड, और जो सेकेंड बॉल है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए उसके आगे देखो वेलोसिटी के आगे नेगेटिव सिंबल लगा, और उसकी वैल्यू कितनी है 0.15 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो ये इसका आंसर है, आया क्या समझ में, ठीक है, आसानी है। देखो चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी बी ऑफ मास 2m एट रेस्ट। जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट में है जिसका मास 2m है, और फर्स्ट बॉडी का मास m है, और वो u स्पीड से जाके टक्कर मारती है इसको, सेकंड बॉडी को। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर, आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए इज। अब ये इलास्टिक कोलिजन है फिर लॉस कैसे पूछ रहे है? तो पहली जो बॉडी जाके टक्कर मारेगी दूसरी बॉडी को, तो पहली बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस होगा, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी दूसरी वाली बॉडी में ट्रांसफर होगी, तो पहले वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो हो ही रहा है, ओवरऑल लॉस नहीं होगा यहाँ पे एनर्जी का, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, जो लॉस हो रहा है वो पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का हो रहा है। तो आपको फर्स्ट बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फ्रैक्शनल लॉस पूछा है। ये जो फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस है इसका मतलब होता है लॉस इन एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल लॉस। अगर सिर्फ लॉस पूछता तो हम क्या करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो उससे आ जाता लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, लेकिन इसने क्या पूछा, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस। फ्रैक्शन का मतलब होता है टोटल लॉस कितना हुआ एनर्जी का डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, तो आपको यह पूछा जा रहा है। अब इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है बॉडी ए की, यू स्पीड से जा रही है, थोड़ा डायग्राम बना के समझा देता हूं। U1 की वैल्यू U दे रखी है,
पहली बॉडी का मास है m, सेकेंड बॉडी जिसको ये टक्कर मारी है उसका मास 2m है और वो रेस्ट में है, यानी कि u2 कितना लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, टक्कर के बाद में पहली जो बॉडी है वो मान लो v1 वेलोसिटी से जा रही है और जो सेकेंड बॉडी है जिसका मास 2m है वो v2 वेलोसिटी से जा रही है, ये वाली कंडीशन है भाई। ठीक है, अब फ्रैक्शनल लॉस अगर कैलकुलेट करना है बॉडी ए ए की वेलोसिटी का, तो आपको बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी भी पता करनी पड़ेगी, तभी लॉस पता चलेगा कि शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, बाद में इतनी हो गई तो लॉस इतना हुआ और ये फ्रैक्शनल लॉस है, वो सारी चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अभी हमें वी वन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा वी वन कैलकुलेट करना है तो थोड़ी इक्वेशंस बना के सॉल्व करते हैं। जैसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से एक इक्वेशन बनाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये होता है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे m इंटू यू प्लस 2m इंटू जीरो, क्योंकि सेकंड बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, तो ये आ गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मास इंटू वेलोसिटी करके मैं सॉल्व कर रहा हूं, इक्वल टू इधर क्या आएगा m इंटू वी वन प्लस 2m इंटू वी टू। आया समझ में? ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, m तो उड़ाई दो दोनों साइड में, ये तो वैसे जीरो बन गया, तो ये आएगा u इक्वल टू वी वन प्लस टू वी टू, ये पहली इक्वेशन मान ली मैंने। ठीक है, एक और इक्वेशन बनाएंगे ताकि हम v1 को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाए, क्योंकि यहां पे दो वेरिएबल हैं v1 और v2, u तो दे ही रखा है इक्वेशन में, तो u वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है v1 और v2 जो हमको पता नहीं है, तो एक और इक्वेशन चाहिए। तो जो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला था जिसको हमने इलास्टिक कोलिजन के लिए लिखा था, v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2, क्योंकि इसके लिए इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, तो ये बनेगा इक्वेशन v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2। तो ये लगाएंगे अब v2 माइनस v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब u1 कितना है, u के बराबर है, u2 कितना है, 0। ठीक है, तो ये थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको मैं u को इधर लिख रहा हूं, तो u इक्वल टू आ गया अपने पास में v2 माइनस v1 के बराबर, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशंस हैं, हमको क्या पता करना है, v1 पता करना है, तो एक काम करो यहां से v2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, u प्लस v1, इस v1 को इधर लाओगे ना तो v2 इक्वल टू क्या बनेगा, u प्लस v1, ये वैल्यू उठा के मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो इधर u पहले से है इक्वल टू v1 प्लस 2 इनटू v2 की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, u प्लस v1। सॉल्व करो इसको क्या आता है, तो ये आएगा u इक्वल टू 3v1 प्लस 2u, इसको सॉल्व करेंगे तो 3v1 इक्वल टू माइनस ऑफ u, तो v1 कितना आएगा, u बाई 3। अब ये माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पहली बॉडी है वो टक्कर के बाद में अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रही होगी, जैसे ये भारी बॉडी है ये हल्की है, तो ये टक्कर मारी और टक्कर के बाद में उल्टा चल पड़ेगी, और कितनी स्पीड से, u बाई 3 स्पीड से, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आंसर का मतलब क्या है कि जो पहली बॉडी है वो टकरा के वापस आ रही है, सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही, टकरा के वापस है। अगर ये सेम डायरेक्शन में जाती तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही आती। इतनी बात समझ में आई क्या? अब फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो उसका मतलब है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये मैं फर्स्ट बॉडी के लिए अप्लाई करूंगा, तो लॉस इन इनिशियल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, ये लिखा जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम, और स्पीड कितनी होनी हो चुकी है, u बाई 3। माइनस का सिंबल तो डायरेक्शन बता रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ पे, माइनस में लिख भी दोगे तो भी स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही बन जाएगा वैसे वो, और डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है आपको, हाफ एम यू स्क्वायर आप कॉमन लेके ऊपर नीचे उड़ा सकते हो, तो यहां तो बचेगा 1, है ना, इसको सॉल्व करेंगे ना, 1 माइनस इधर हाफ एम यू स्क्वायर को उड़ा दोगे तो 1 बाई 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बचेगा, 1 बाई 9, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8 बाई 9 के बराबर, यानी कि जो फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है फर्स्ट बॉडी का वो कितना है, 8 बाई 9 के बराबर है, मतलब सी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर बॉडी एट रेस्ट एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन विद 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी इज, जो सेकेंड बॉडी उसका मास क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन हो रही है, जो पहली बॉडी है उसका मास दे रखा है
M1 कितना है 2 किलोग्राम, और ये कितनी स्पीड से जा रही है, मान लो किसी U1 स्पीड से जा रही है, फिर ये किसी दूसरी बॉडी से टकराती है जिसका मास है M2, जो आपको पता करना है, और ये मान लो ये रेस्ट में है, क्या कोलिजन विद अनदर बॉडी एट रेस्ट, मतलब सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी है 0, ठीक है। कोलिजन के बाद में जो पहली बॉडी है M1 मास की, जो कि 2 किलोग्राम है, वो किसी V1 वेलोसिटी से जा रही होगी, जो कि पहले इसकी जो वेलोसिटी थी उसका 1/4 है, मतलब U1/4 के बराबर है। टक्कर के बाद में पहली बॉडी की वेलोसिटी 1/4 हो जाती है, जितनी पहले थी ना उसका 1/4 हो जाएगी, और जो दूसरी बॉडी है उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन हमको पता नहीं कि वो कितनी वेलोसिटी से जा रही होगी, V2 लिख देते हैं इसको, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, तो ये बना लिया करो पहले। इसके बाद में क्या करना है, सिंपल आपको इक्वेशंस लगानी है। इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा है तो पहले इक्वेशन बनेगी V2 - V1 = U1 - U2, तो V2 - V1 की जगह लिख दो U1/4, U1 की जगह U1 ही रहने देंगे, U2 की वैल्यू 0 है, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। V2 = आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 5/4 U1, तो ये अपने पास V2 की वैल्यू आ गई। कौन सी इक्वेशन लगाई है मैंने, जो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला होता है ना, वो लगाया मैंने, ठीक है जी। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी शुरुआत में और मास इंटू वेलोसिटी बाद में, कोलिजन के बाद में, दोनों बॉडीज का बराबर होना चाहिए, तो 2 × U1, इसका मोमेंटम 0, तो 0 है तो छोड़ देता हूँ, = इधर इसका होगा 2 × U1/4 और इसका होगा M2 × V2, ठीक है। V2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये पुट कर देते हैं और M2 कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको कैंसिल करोगे ना तो ये आएगा U1/2 इधर आएगा, तो ये बनेगा 3/2 U1 = M2 V2। अब मैं V2 की वैल्यू यहां से पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, तो 3/2 U1 = M2 × V2 की वैल्यू क्या है 5/4 U1, तो U1 तो उड़ी जाएगा दोनों साइड में, और इसको आप सॉल्व करोगे तो M2 बराबर आएगा 6/5, क्या आएगा 6/5, यानी कि 1.2 किलोग्राम, ये दूसरी बॉडी का मास निकल के आ गया, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो सेकेंड बॉडी है उसका मास कितना है 1.2 किलोग्राम के बराबर है। आया समझ में?